गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। दिस साइड निशांत। सो बेसिकली आज हम लेके आए हैं अपना सेशन। जैसा कि आप बहुत लोग जानते होंगे कि कल सरकार ने जो हमारी आईटी मिनिस्ट्री है और जो हमारा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं सोशल मीडिया रूल्स पे। ठीक है, कुछ चेंजेस लेके आए हैं सोशल मीडिया रूल्स पे, मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया को थोड़ा अकाउंटेबल बना दिया है। ठीक है, बाकी ये है क्या, कैसे कैसे हुआ है और क्या क्या चेंजेस हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से समझेंगे सर। ठीक है, एक तो होता है पैराग्राफ वे से, मैं कॉलम वाइज लेके आया हूँ आपके लिए और हर एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जितना भी मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है। ठीक है, लेकिन ये जानने से पहले समझिए ये एग्जैक्टली है क्या। एग्जैक्टली एक रूल पास किए हैं इन्होंने, इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ठीक है, तो ये इसका नाम है, ये पढ़ देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या हुआ है ना, द सेंटर ऑन थर्सडे, मतलब कल की बात कर रहे हैं, इट रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटिंग सोशल मीडिया एंड ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो होते हैं ना। ठीक है, सोशल मीडिया तो आप समझते हैं सोशल मीडिया क्या होता है। सोशल मीडिया सर क्या होता है, जैसे कि हमारे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, सर हमारा व्हाट्सएप हो गया। ठीक है, ये सब हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, फेसबुक हो गया, लेकिन ओटीटी क्या होते हैं ना, इन लोगों को ओटीटी के बारे में नहीं पता। इसका नाम होता है ओवर दी टॉप, इसका नाम होता है ओवर दी टॉप, और इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे हम नेटफ्लिक्स हो गया हमारा, ठीक है, अमेजन प्राइम हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे कोई भी जो हमारे ये होते हैं चैनल्स जो हम ऑनलाइन देखते हैं, ठीक है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, ठीक है, तो इन ये सब क्या है, इनको हम कहते हैं ओवर दी टॉप। अब हो क्या रहा है ना सर, देखिए कुछ समय से क्या हो रहा है, पहले इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। देखिए अभी अभी इंडिया में सबसे रिसेंट में क्या चल रहा है इंपॉर्टेंट, हमारे पास चल रहा है टूल किट चल रही है, दूसरा हमारे पास चल रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट। ठीक है, समझ रहे हैं आप। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर। तो सोशल मीडिया का सर मिसयूज कैसे हो रहा है ना, जैसे टूल किट केस में क्या हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ कि टूल किट के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, तो टूल किट केस में क्या हुआ, दिशा रवि जो हमारी एक्टिविस्ट थी, उन पर इल्जाम लगा या उनका आरोप लगा कि उन्होंने जो है आपकी ये टूल किट जो है, ठीक है, जो कि ग्रेटर थनबर्ग ने वहां से शेयर की थी, ये इन्होंने डिजाइन की है। ठीक है, और फार्मर्स प्रोटेस्ट में आपने क्या देखा है कि बहुत ही, मतलब कह सकते हैं, इनसाइटिंग वाले जो कमेंट हमने देखे हैं किसमें, सोशल मीडिया में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास होना चाहिए, लेकिन कुछ उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं। ठीक है, तो ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, इसमें हमने देखा 26 जनवरी से पहले क्या हुआ सर आपका, 26 जनवरी से पहले कुछ ऐसे ऐसे इंसाइटमेंट वाले कमेंट्स आए, कहीं ना कहीं उन कमेंट्स ने जो है इनको बढ़ावा दिया, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का गलत यूज इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा सर कहीं आप देखते हैं कि किसी लड़की का रेप हो गया है, ठीक है, ऐसा ना हो मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं पर ही किसी लड़की का रेप हुआ है और उसको जो है कुछ कल्प्रिट्स जो है वो उसको फिल्म कर रहे हैं एंड देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डाल रहे हैं। ये बात नहीं नहीं है सर, हम लोग सुनते हैं न्यूज में, राइट, तो ये चीज हो रही है, किसी का रेप हो रहा है, उसको फिल्म करके वो सोशल मीडिया में डालते हैं, उस लड़की की क्या होता है, उससे डिग्निटी उसकी खराब होती है। ठीक है, तो बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं जो हम सुनते आ रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो सोशल मीडिया का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको रोकना जरूरी है। सेकेंड क्या है सर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ओटीटी में क्या है ना सर, हम लोग समझिए आज के जमाने में हम लोग टीवी बहुत कम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ओवर दी टॉप या ये जो नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, इसमें जो वेब सीरीज आती है हम वो देखते हैं। कभी किसी ने सोचा सर कि इन वेब सीरीज में क्या कोई रेगुलेशंस हैं? हम पिक्चर देखते हैं, पिक्चरों में जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC जो होता है, फॉर एग्जाम्पल सबसे ईजी वे में आते हैं, अगर कोई पिक्चर रिलीज होती है, अगर कोई मूवी रिलीज होती है, तो सेंसर बोर्ड बैठता है, चेक करता है कि मूवी कैसी है। ठीक है, उसी हिसाब से मूवी को रेटिंग मिलती है कि ये मूवी एडल्ट के लिए है, ये मूवी बच्चे के लिए है, रेटिंग मिलती है। एटलीस्ट वो आपको जागरूक कर देते हैं कि अगर आप ये मूवी देख रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ओटीटी क्या है सर, ओटीटी क्या करता है, ओटीटी में ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी वेब सीरीज उठा के देख लीजिए सर, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी वेब सीरीज है जहां पर हम क्या कहते हैं अब्यूजिव लैंग्वेज खुलेआम चल रही है, कोई सेंसर बोर्ड नहीं है वहां पर, कोई सेंसर नहीं है। दूसरा, न्यूडिटी, नंगापन दिख रहा है सर,
मतलब चल रहा है वो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ बट ये चल रहा है, ये दिखने को आ रहा है कि वहां पर मतलब की जो सीन्स है ठीक है अनएक्सपोज्ड सीन्स आ रहे हैं सामने, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत खराब हो सकते हैं, उनके माइंड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट या डाल सकते हैं ठीक है। सिंस वो अभी किड है, उनकी सीखने की उम्र है और जैसा उनका माइंड देखेगा उनका माइंड वैसे ही फ्रेम होगा ठीक है। तो ये कुछ शिकायतें थी ओटीटी के ऊपर कि इनको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर ठीक है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट एक रूल्स जो है वो लेके आई है, नोटिफाई करके लेके आई है ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एटलीस्ट आपको अभी सोशल मीडिया और ओटीटी ओवर दी टॉप जो है इनके बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली है क्या, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया यूट्यूब हो गया ठीक है। अब देखिए मैं बेसिकली आपको एक कंटेंट से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बड़ा ही अच्छा आपके लिए चार्ट लेके आया हूँ ठीक है। तो सर पहले मैं रूल्स की बात करूंगा जो नोटिफाई किया गया है किसके लिए, सोशल मीडिया के लिए। पहले मैं उन रूल्स की बात करूंगा जो सोशल मीडिया के लिए नोटिफाई किया गया है ठीक है। सबसे पहले हमारी मिनिस्ट्री ने कहा है कि साहब सोशल मीडिया से कह रहे हैं कि देखिए आप इसमें मत जाइए, आप इस चीज में मत जाइए जो मैं कह रहा हूं उसको देखिए। फर्स्ट ओरिजिनेटर नाम बता रहा है, फर्स्ट ओरिजिनेटर मतलब क्या है सर इसका कि कोई भी न्यूज अगर फैलती है ठीक है, वो कोई भी कौन सी न्यूज है वो भी कहा मिनिस्ट्री ने स्पेसिफाई किया है, लेकिन अभी सुनिएगा। मिनिस्ट्री ने कहा है कि कोई न्यूज अगर फैलती है जो कि हमारे देश की सोवरेनिटी ठीक है, सिक्योरिटी इंटीग्रिटी ठीक है, पब्लिक ऑर्डर ठीक है, एंड फ्रेंडली रिलेशन विद द स्टेट ठीक है, ये आर्टिकल 92 के रिस्ट्रिक्शंस है ठीक है। तो इसको मैं दिखा भी देता हूँ क्या कहा है स्टेट ने, यहाँ पर लिखा होगा एक मिनट दीजिएगा, दिखाई देता हूँ आपको चित्र। ये देखिए ये कहा स्टेट ने, दिस शुड बी द ओनली इन रीजन टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, द पब्लिक ऑर्डर, रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स और रेप, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट एंड द लाइक्स ठीक है। तो अगर ऐसा कोई ट्वीट इंडिया में शेयर होता है या सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है तो सोशल मीडिया ऑब्लाइज्ड है बताने के लिए कि इस ट्वीट का फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन था। अगर सोशल मीडिया से कोर्ट पूछेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट पूछेगी, अगर सोशल मीडिया से कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि इस ट्वीट का या इस जो ये स्टेटस है इसका फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, तो सोशल मीडिया ऑब्लाइज्ड है बताने के लिए कि इसका फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है और किस किस केस में। ये केस मैंने आपको यहां पर स्पेसिफाई किया है, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, रिलेशंस विद फ्रेंडली फॉरेन स्टेट्स, रेप, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट एंड द लाइक्स ठीक है। तो आई गेस पहला तो खत्म हो गया हमारा फर्स्ट ओरिजिनेटर। दूसरा क्या है सर, एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ठीक है। इनसे कहा गया है कि आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाएंगे ठीक है, मतलब कि 24 आर में आप केस को रजिस्टर्ड करेंगे, 24 आर के अंदर आप केस को रजिस्टर्ड करेंगे और 15 दिन में इसको आप सोल्यूशन देंगे। 24 घंटे में आप केस को रजिस्टर करेंगे और 15 दिन के अंदर आप इसका सोल्यूशन देंगे। इसका मतलब सर क्या है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कह रहा है, इसका मतलब ये ग्रीवेंस कौन करेगा, ये ग्रीवेंस कौन करेगा, ये हमारा यूजर करेगा, जैसे मैं हूं, समझिए मैं हूं, मुझे कोई भी शिकायत है किसी भी ट्वीट से, मुझे कोई शिकायत है किसी भी ट्वीट से, मुझे लगता है कि वो ट्वीट मेरे खिलाफ है, तो मैं क्या करूंगा, इनको क्या करूंगा, एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के तहत सोशल मीडिया को ही कंप्लेंट करूंगा और सोशल मीडिया 24 आवर के अंदर मेरी कंप्लेंट को रजिस्टर करेगा और 15 दिन के अंदर सोल्यूशन देगा। इससे क्या हो रहा है, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया जो यूजर है, वो मैं हूं, वो आप हैं, वो कोई भी है जो सोशल मीडिया यूज करता है, वो सोशल मीडिया यूजर को हम क्या कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, उसे हम एम्पावर कर रहे हैं ठीक है। इससे क्या होगा, एक रॉबस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की हम तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं उसको ठीक है। वो लिखा देखिए, एम्पावरिंग एम्पावरिंग सोशल मीडिया यूजर, ये दोनों सेम कनेक्टेड है। इसके अलावा क्या है सर, इसके अलावा क्या है, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा सर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा और वो कहां होगा, वो इंडिया में बेस्ड होगा, वो कहां होगा, वो इंडिया में बेस्ड होगा, वो इंडिया में होगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, जो क्या करेगा, जो एक्ट और रूल्स के साथ देखेगा कि हम कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इजी है ठीक है। इसके अलावा हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज,
हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज या कोई एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर उन्हें बात करनी है इस किसी भी सोशल मीडिया ऐप से, तो उसके लिए सोशल मीडिया को एक नोडल ऑफिसर 24/7 उपलब्ध करना पड़ेगा। मतलब इन द सेंस जो ये नोडल ऑफिसर होगा ये 24/7 जो है उपलब्ध रहेगा। और क्या होगा इससे, इसमें क्या होगा कि हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज या एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर कोई समस्या होती है तो डायरेक्ट इनसे बात कर सकती है। ठीक है, फिर एक और है मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट। अब हमने कंप्लायंस ऑफिसर तो हमने ले लिया है, नोडल ऑफिसर भी हमने अपॉइंट कर दिया है, अब जब कंप्लायंस करेंगे तो दिखाना पड़ेगा भाई कि हमारे पास इतनी कंप्लेंट आई थी इस महीने में, हमने इतनों का जो है सोल्यूशन दिया है, इतनी पेंडिंग में है। तो पूरी कंप्लायंस रिपोर्ट जो है मंथली बेसिस पे भार आनी चाहिए सर। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम? ठीक है, ये हो गया सर। इसके अलावा क्या है, एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। मतलब हमारे मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि वो इंटरव्यू दे रहे थे किसी टीवी चैनल पे, मैं वो देख रहा था, तो वो कहते हैं कि जो ये वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है, अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है ना बताने के लिए कि आप कौन है आप कौन नहीं है। और ये सरकार नहीं मांग रही हमसे, ये वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म सरकार नहीं कह रही कि हमें बताओ आप कौन है। सरकार सिर्फ इतना कह रही है कि आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं अल्टीमेटली उसे बताइए कि आप कौन है, आप कहां से यूज कर रहे हैं। क्योंकि आप देखते हैं सर कितने एक फ्लरी ऑफ कमेंट्स हम देखते हैं ट्विटर में या सोशल मीडिया में, जिसमें से कि 90% कमेंट जो है आउट ऑफ द बॉर्डर आते हैं, बॉर्डर के बाहर से आते हैं। तो एटलीस्ट हमें पता होगा ना, एटलीस्ट हमें पता होगा कि वो कमेंट कहां से आया है। ठीक है, तो एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म जो है ये होना चाहिए, इससे जो यूजर है वो भी अकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ पॉइंट्स थे, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट सर क्या है, पहला पॉइंट है आपका, मैंने कहा फर्स्ट ओरिजिनेटर। मतलब कि कोई भी ऐसा ट्वीट है जिससे कि देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर या फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, ठीक है, रेप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे कोई कमेंट्स जो कि है, ऐसे कोई स्टेटस या ऐसा कोई ट्वीट जो कि फॉरवर्ड हो रहा है, उसका फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है। और समझिए इसके साथ में सरकार ने यह भी कहा है कि अगर वो ओरिजिनेट बाहर से हुआ है लेकिन इंडिया में उसका पहला लिंक कौन था, इंडिया में पहली बार उसको किसने आगे बढ़वाया है, उसका नाम हमें चाहिए। और अगर इन कंडीशंस पे सरकार या कोर्ट उस इंटरमीडियरी या सोशल मीडिया से मांगती है तो वो ऑब्लाइज्ड है उसका नाम देने के लिए। दूसरा क्या है सर, एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए जिससे कि 24 आवर में हम कोई केस जो है रजिस्टर करें और 15 दिन में उसका सोल्यूशन दें। इससे क्या होगा, जो हमारा सोशल मीडिया का यूजर है वो एम्पावर होगा। इससे क्या होगा, हमारा सोशल मीडिया का जो यूजर है वो एम्पावर होगा। हम देखिए आए दिन हम देखते हैं सर लेडीज के खिलाफ, खासकर लेडीज के खिलाफ, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है कि लेडीज कहीं पर ही बैठी है या कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट है उसकी ऐसी तस्वीर ले लेगा जो कि अनएप्रोप्रिएट है आपके लिए भी उसके लिए भी सबके लिए, लेकिन उस एंटी सोशल एलिमेंट को उससे मजा आ रहे हैं तो वो उस तस्वीर को वायरल कर देगा। हाँ, सोशल मीडिया में उस तस्वीर को सोशल मीडिया में मान लीजिए उसने वायरल कर दिया, उसने वायरल कर दिया, अब जो लेडी है वो कहां जाएगी, लेडी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के अंदर वो सोशल मीडिया को रिपोर्ट करेगी और सोशल मीडिया 24 घंटे के अंदर उसको हटा देगा। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, एक डिग्निटी ऑफ अ वुमन वो हम बचा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हम अपॉइंट करेंगे जो कि इंडिया में बेस्ड होगा और जो कि एक्ट और रूल्स कंप्लायंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उस पर ध्यान देगा। और उसके बाद वो एक मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट भी पब्लिश करेगा कि हमने इतना केस लिए, इतनों का हमने सोल्यूशन दिया, इतने पेंडिंग है। एक नोडल ऑफिसर, कभी कोई सिक्योरिटी का मामला हो गया तो कोई एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए जिससे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज या एनफोर्समेंट एजेंसीज 24/7 कॉन्टेक्ट कर सके। ठीक है, और एक आखिरी क्या है, वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। यूजर अगर सोशल मीडिया यूज कर रहा है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना उस सोशल मीडिया को, सरकार को नहीं, उस सोशल मीडिया को बताना कि भाई आप कहां से यूज कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, यूजर ज्यादा अकाउंटेबल होगा। ठीक है सर, आई गेस सोशल मीडिया में क्या रूल्स फ्लाउट हुए हैं वो आपको समझ में आ गए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब थोड़े ओटीटी की बात कर लेते हैं, ओवर द टॉप, जैसे कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, Amazon Prime, ठीक है। अब इसमें क्या है सर, हमने 3-tier grievance mechanism की बात की है। इसमें हमने क्या किया है, 3-tier grievance mechanism की बात की है। इसका मतलब सर क्या है, इसका मतलब सर क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले
बेसिकली जो सोशल मीडिया है उसमें भी हमने थ्री टियर की बात की है और इसमें भी हमने थ्री टियर की बात की है। बस फर्क यह है, वहां पर हमने खाली बात की ग्रीवेंस मैकेनिज्म की, ठीक है, कि 24 आवर में कंप्लेन लेनी है और 15 दिन में जो है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। वो मैंने कहाँ पढ़ाया था, देखिए वो मैंने कहाँ पढ़ाया था, वो मैंने यहाँ पढ़ाया था, 15 दिन में सोल्यूशन लेना है। अगर सोल्यूशन नहीं आ पाया, अगर सोल्यूशन नहीं आ पाया साहब, तब क्या होगा, तब क्या होगा? तो यहां पर मैं उस चीज को ज्यादा डीप में बता रहा हूं। होना यहां भी यही चाहिए था, ग्रीवेंस मैकेनिज्म, लेकिन असली में वो तीन टायर में दिया हुआ है। अगर हम उस रूल्स के ज्यादा डीप में जाएं तो ये थ्री टायर इसके लिए भी अप्लाई होता है और किसके लिए भी होता है, सोशल मीडिया के लिए भी होता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो तीन टायर क्या है? पहला क्या है सर, वो प्लेटफॉर्म या वो सोशल मीडिया अपने आप ही, ठीक है, अपने आप ही ओन जो है एक, जो कह सकते हैं कि एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म बना दे, वो अपने आप ही अपने अंदर ही एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म बना दे जिससे कि वो लोगों की समस्याओं का जो है समाधान करे। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता तो फिर क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या हो सकता है, ये एक रेगुलेशन रेगुलेटिंग बॉडी बना दे, जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के उसमें होता है ना, एक रेगुलेटिंग बॉडी होती है, ठीक है, वैसी बना दे। और इसको हेड कौन करेगा, इसको हेड करेगा एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस या फिर कोई एमिनेंट जूरिस्ट, ठीक है, या तो बना दे रेगुलेटिंग बॉडी। अगर ये भी समाधान नहीं कर पा रही है, समझिए इस रेगुलेटिंग बॉडी के पास सेंसर की पावर भी होगी, और अगर समाधान इस रेगुलेटिंग बॉडी से भी नहीं मिल पा रहा है, देन क्या होगा, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी होनी चाहिए। मिनिस्ट्रियल कमेटी, राइटिंग में ध्यान दीजिएगा, मैं बोल के बता रहा हूं, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हेड करेगा, किसका, आईबी मिनिस्ट्री का। समझ में आया? देखिए बात सोशल मीडिया में हमने ग्रीवेंस मैकेनिज्म की थी कि 24 आवर्स में केस रजिस्टर, 15 दिन में केस खत्म, दया या प्रद्युमन साहब की तरह सीआईडी वाले। लेकिन क्या है, उसको भी क्लासिफाई किया है तीन टीयर में। पहले टीयर में क्या है, कंपनी खुद से करे ग्रीवेंस मैकेनिज्म, अगर खुद से नहीं हो रहा है तो एक रेगुलेटिंग बॉडी बनाए जिसके जो चीफ होंगे या हेड होंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा रिटायर्ड, और अगर समाधान इससे भी नहीं मिल पा रहा है देन क्या होगा, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनेगी जिसको कि कौन हेड करेगा, एक जज, सॉरी उसको कौन हेड करेगा, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का आदमी हेड करेगा, किसका, आईबी मिनिस्ट्री का। समझ में आ गया, ये ग्रीवेंस सिस्टम समझ में आ गया, बाकी सब सेम है उसकी तरह। सेकेंड क्या है, सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ ऑन एज, ठीक है, ये देखिएगा हम क्या करते हैं ना, आप समझिए, मैंने जब ओटीटी की बात की थी, मैंने कहा था भाई ओटीटी में क्या है कि हम ये देखते हैं नेटफ्लिक्स में हम कितनी वेब सीरीज देखते हैं, उस वेब सीरीज में सर क्या होता है, नंगापन देखते हैं हम, गाली गलौज चलती है, पूरी पूरी चलती है, तो हम उसमें कुछ दिखाते नहीं है कि यार ये जो है ये इतने लोगों के लिए है, ये इस एज के लोगों के लिए है। और कभी भी आप फिल्म देखते हैं ना, कभी भी आप मूवी देखते हैं, सर मूवी में साफ साफ लिखा आता है ये मूवी एडल्ट मूवी है, ये मूवी इन लोगों के लिए है, ये मूवी इन लोगों के लिए है। जैसे देखिए ये इन्होंने कहा है, अब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा, इन्होंने कहा है कि अब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा उसे भी ये करना पड़ेगा, शुड सेल्फ क्लासिफाई इट्स कंटेंट इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन एज, नेमली यू मतलब यूनिवर्सल, यूए मतलब 7+ 7 ईयर से ऊपर, यूए 13 मतलब 13 ईयर से ऊपर, और यूए 16+ मतलब 16 ईयर से ऊपर, और ए मतलब एडल्ट है। तो ये कौन करेगा, जो वेब सीरीज हम देखते हैं ना, मिर्जापुर देखी हमने, और हम टांडव को तो अभी केस चल गया था, मिर्जापुर देखी हमने, और कितनी सारी वेब सीरीज है सर उसमें, एक बिच्छू भी है, ठीक है, तो इन सबको आप ये सब रेटिंग्स देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, प्लेटफॉर्म विल बी रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट पेरेंटल लॉक फॉर कंटेंट क्लासिफाइड एज यूए 13+, जो कंटेंट ये यूए 13+ से ऊपर है, जो कंटेंट ये यूए 13+ से ऊपर है उसमें क्या होगा, उसमें एक पेरेंटल लॉक लगेगा, ठीक है, और जो ए कंटेंट जो एडल्ट कंटेंट है उसके लिए क्या होगा, एज वेरिफिकेशन होगा। आई गेस समझ में आ गया होगा आपको, इजी है, कोई ऐसा हाई फाई नहीं है। तो क्या है, बेसिस के एज के बेसिस पे हमें जो है सेल्फ क्लासिफाई करना पड़ेगा, कैसे कैसे, यूए बताया मैंने, ए मतलब एडल्ट, यूए 13+, यूए 7+, तो एज सच क्लासिफाई होगा। इससे क्या होगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पहुंच जाएगा किसके बीच में, जो हम मीडिया जो हम टीवी देखते हैं उसके बीच में और ओटीटी के बीच में। इसके अलावा डिस्क्लोजर डिस्क्लोज ओनरशिप एंड साइज ऑफ रीच, ओनरशिप किसकी है, साइज ऑफ रीच जो है हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और पांचवा वही है सर, पेरेंटल ब्लॉक हमें करना पड़ेगा, पेरेंटल ब्लॉक किससे होगा, यूए 13+ के ऊपर होगा, यूए 13+ के ऊपर होगा। समझ में आया आपको मैंने क्या बताया आपको सर,
समझ में आया सर मैंने आपको क्या बताया? एक बार दोबारा से जाने से पहले कर देते हैं, ये 7 पॉइंट थे जो मेन मेन मैं लेके आया हूँ सोशल मीडिया से। इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है, 24 आवर्स का केस रजिस्टर, 15 आवर में सोल्यूशन, ये भी तीन तीन उसमें है, तीन स्टेप में ही है, ठीक है। इसके अलावा हम एम्पायर कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया यूजर को कि वो कंप्लेन करे तो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बना के यहाँ पर जाए और जल्दी से वो डिस्पोज ऑफ हो जाए। कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट होनी चाहिए, एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी आपके पास होनी चाहिए, और कौन होना चाहिए, फर्स्ट ओरिजिनेटर के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ क्या है, एक 3-tier ग्रीवेंस मैकेनिज्म होना चाहिए, पहले कंपनी खुद बना ले या फिर एक रेगुलेटिंग बॉडी बननी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी होनी चाहिए जिसका हेड कौन होगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी, यहाँ पर सरकार का इंटरफेयर शुरू हो जाएगा। अब सेल्फ क्लासिफिकेशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एज, जैसे हम पिक्चर में देखते हैं ना, एज के इसमें क्लासिफिकेशन होता है, जब आगे से मूवी शुरू होती है तो लिखे हुए आते हैं यूए यूए करके कुछ लिखे हुए आते हैं, तो उनका एक अलग मतलब होता है। यहाँ पर क्या होगा, यू मतलब यूनिवर्सल, कोई भी देख सकता है, यूए प्लस 7 साल से ऊपर का बच्चा, यूए 13 प्लस मतलब 13 साल से ऊपर का बच्चा, यूए 16 प्लस मतलब 16 साल से ऊपर का बच्चा, और वेरी लाइक ये मतलब एडल्ट ही दिखेगा। इसके अलावा क्या है सर, प्लेटफॉर्म को जो है पेरेंटल लॉक लगाना पड़ेगा, जो यूए 13 साल से ऊपर के बच्चे के लिए बना हुआ है उसके लिए पेरेंटल लॉक होगा, और जो एडल्ट मूवी होगी ना उसमें जो है आपको एज वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। तो आई गेस यही हमारे पास था आज के लिए, ठीक है। बाकी जैसे ये लागू होती है गाइडलाइंस, वील लेट यू नो, ठीक है, जैसी ये गाइडलाइंस होती है वी लेट यू नो। और जाते थे एक चीज मैं आपको बता दूं आपको, व्हाइल ऑल दी रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड एंड नोटिफाइड अंडर दी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जितने भी रूल्स हमने नोटिफाई किए हैं वो अंडर आईटी एक्ट है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है रेगुलेशन ऑफ ओटीटी एंड डिजिटल न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म वो किसके अंडर रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ आईबी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है सर। तो चलिए सर, मैंने उम्मीद की चीजों को जितना सिंपल मैं आपके लिए बनाऊं उतना सिंपल बना के लेके आया हूं। अगर आपको ये पसंद आया है तो ये मेरा चैनल है मनाली मेड इजी, ये उसका लोगो है, आप प्लीज उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा सर, जिससे कि मैं ऐसे कोई करंट अफेयर के मुद्दे आपके लिए ऑन अ वेरी डेली बेसिस लेके आ पाऊं, ठीक है। चलिए सर, अभी के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड, बाकी जो भी डेवलपमेंट इसमें होता है आई विल नोटिफाई यू रिगार्डिंग द सेम, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय।